इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की ओर बढ़ रहा है शेख हसीना का विमान। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, अभी झारखंड की हवाई सीमा में है शेख हसीना का विमान। तो इसका मतलब तो ये है अनुराग कि वो भारतीय सीमा में घुस गए फिर तो? जी बिल्कुल, तो खबर जो लगातार हम बता रहे हैं उसी की खबर की तस्दीक यहाँ पर होती नजर आ रही है। दिल्ली पहुंचने वाली हैं शेख हसीना, दिल्ली उनका विमान पहुंच रहा है और जो लाइव ट्रैकिंग है उसके जरिए इस वक्त उनका विमान झारखंड के हवाई सीमा में है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, यानी कि अब से अगले 1 से 1.5 घंटे के भीतर वो पहुंच जाएंगी दिल्ली और दिल्ली से वो रवाना होंगी लंदन। इस तरीके की शुरुआती जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। अनुज माथुर साहब ने बताया कि लंदन जाना क्यों सूट करता है इस तरीके के तमाम दिग्गज राजनेताओं को। और अमरुल रहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, बांग्लादेश के पत्रकार हैं, बांग्लादेश के बारे में समझते हैं। अमरुल रहमान साहब, एक बड़ी और अहम बात यह है कि सेना ने कर्फ्यू हटा दिया जो कि अनिश्चितकालीन था, और एक और वादा किया उन प्रदर्शनकारियों से कि हम कोई गोलीबारी नहीं करेंगे। तो क्या उनसे बातचीत होगी, उनको वापस कैसे भेजेंगे? अब सेना ने दे आर टॉकिंग विद एक्चुअली आवर ऑल पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियन लीडर्स, एंड दे आर ऑल्सो आई थिंक विल टॉक विद द स्टूडेंट्स बॉडी एंड देन दे विल डिसाइड व्हाट विल डू, बिकॉज व्हाट दे हैव बीन प्रपोज्ड इट विल बी अ नेशनल गवर्नमेंट एंड दिस नेशनल गवर्नमेंट विल टेक ओवर एवरीथिंग एंड देन आई थिंक स्टूडेंट विल स्टॉप द प्रोटेस्ट आफ्टर फॉर्मिंग द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस वक्त हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, तो झारखंड की वायु सीमा में, हवाई सीमा में इस वक्त शेख हसीना का प्लेन है, अगले 1.5 घंटे में 2 घंटे में अधिकतम वो दिल्ली पहुंच जाएंगी, लंदन जा रही है सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है। लेकिन जो सवाल मैं अब्दुल रहमान साहब से समझना चाह रहा था वो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, भारत के लिए इस वक्त क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? देखिए, भारत के लिए अहम चुनौती है इस वक्त बॉर्डर को संभालना, क्योंकि वहां पर आप देखिए तो एक भारत का अभिन्न मित्र बांग्लादेश इस वक्त अनरेस्ट में है, जहां पर इस वक्त इस्लामिक ताकतें, जिहादी ताकतें, आतंकी ताकतें जो है वो सर उठा चुकी हैं, वहां पर जमहूरियत को कुचल चुकी हैं, उसमें सेना भी शामिल है जो इस कू में साफ दिखाई देता है। कर्फ्यू उठने का मतलब साफ है कि शेख हसीना के खिलाफ जो अनरेस्ट है, जो उपद्रव है, वो अब समाप्त होगा, क्योंकि वो देश को छोड़ चुकी हैं, प्रधानमंत्री का पद छोड़ चुकी हैं। जो मांग थी दरअसल वहां पर प्रदर्शनकारियों की, वो अपने आप पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। भारत के संदर्भ में ये बांग्लादेश इस वक्त खतरनाक स्थिति में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां पर लंबे समय से चीन अपनी घुसपैठ कर रहा था, चीन अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, वहां पर अपना सबमरीन बेस चीन बना रहा है, वहां पर अमेरिका भी दरअसल अपना एयरफोर्स बेस बनाना चाहता था जिससे शेख हसीना ने इनकार किया था। उसके बाद लगातार जानकारी मिल रही थी कि किस तरह से चुनाव को बांग्लादेश में प्रभावित करने की कोशिश खुद अमेरिका कर रहा था, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि म्यांमार और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर इस तमूर जैसी स्थिति पैदा कर दी जाए और किसी भी कीमत पर अमेरिका चाहता है कि वहां उसका एयरबेस बने। तो बांग्लादेश इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच जंग का एक तरह से ऐसा गढ़ बन चुका है जिसका सीधा प्रभाव भारत पर है, क्योंकि बांग्लादेश की जमीन पर पाकिस्तान अपने पूरी फोर्सेज के साथ एक्टिव है, जो रजोकार हम कहते हैं।